देसी जुगाड़, ये मेरे को बाइंडिंग वायर मिली पर एक घर बन रहा है तो वहाँ पे नीचे गिरी हुई थी, वो लाया थोड़ी बहुत इस तरह से लगाई है थोड़ी बहुत। अभी 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, बाकी देखते हैं। 2 दिन के बाद आज लेंटर पर निकला हूँ, अब निकला हूँ तो थोड़ी देर घूम लेता हूँ यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है ऊपर आके। लास्ट बस है जो शूरनी से जाती है, इसके बाद अब कोई बस नहीं जाती है तो वो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे आप सब? आए के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे है संडे और अभी बज रहे दिन के 12, पूरे 12 बज गए और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अब जो है आज जो है, पिछले कल वाले व्लॉग में आप देखा था कि मैंने रूम की साफ सफाई की थी पूरी, डीप क्लीनिंग वगैरह की थी, और आज मुझे कपड़े धोने हैं तो कपड़े वगैरह भी मैं निकाल ही रहा था, सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कपड़े ये जो है यूनिवर्सिटी को जो कपड़े पहनता हूँ वो वाले कपड़े हैं, पैंट्स वगैरह आज धो रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद, 2 हफ्तों के बाद, क्योंकि इसमें जो है नीचे से ये देखो गंदगी लगी है, और ये भी आजकल जैसे कीचड़ होता है ना तो उस वजह से नीचे पैंट जो है गंदी हो रखी है, तो सोचा कि इनको भी वॉश कर लेता हूँ। और आज जो है काफ़ी दिनों के बाद धूप लगी है, मतलब जब से मानसून स्टार्ट हुआ है उसके बाद फिर सोलन में तो धूप देखने को मिली नहीं, 2-3 हफ्ते हो गए धूप देखने को बिल्कुल नहीं मिली थी, और आज एकदम बढ़िया वाली धूप लगी है, एकदम क्लियर स्काई है और हल्के हल्के से बादल आए हैं। तो इससे जितने में ऐसा ना हो कि पूरे बादल ही बादल हो जाए, उससे पहले कपड़े धो देता हूँ ताकि धूप में जैसे मेरे कपड़े सूख जाए, नहीं तो 2-3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। तो इनको बाथरूम में रखते हैं और कपड़ों को वॉश करते हैं। आज बस मेरे पास यही काम है कि बस कपड़े धोने हैं, थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, शर्ट और पैंट ही है। जो मेरे घर के कपड़े थे वो मैंने वॉश कर दिए थे और नहीं है कपड़े घर के, एक जोड़ी बाकी मैंने धो दिए थे, बाकी पोचे वगैरह है जिससे मैंने कल सफाई की थी कमरे की, और साथ ही साथ में आज बाथरूम की सफाई होगी। बाथरूम की बोले तो टाइल वगैरह अच्छे से साफ होगी, क्योंकि बरसात से ना पानी जैसे जम जाता है, निकलते टायर को नहाते हुए पानी लग जाता है टायर्स के ऊपर, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा फंगस लग जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है, और एलर्जी वगैरह भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो संडे को ऐसा होता है जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन बाथरूम की भी अच्छे से साफ़ सफाई होती है, हाथ पिक से टॉयलेट सीट वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि बीमारी घर बाथरूम ही होता है और कुछ नहीं होता है, तो अगर बाथरूम साफ़ रहेगा तो हम लोग भी बीमारी से दूर रहेंगे। बाकी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ है, आज बस यही होगा थोड़ी बहुत ये कपड़े वगैरह धोने को है, और कुछ भी काम नहीं है आज। और काम है मेरे को आज नोट्स बनाने हैं, बैठ के छुट्टी वाले दिन है तो नोट्स बनाऊँगा, पिछले कल भी मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, बट आज मेरे पास पूरा दिन है कोई एक काम करने के बाद, तो आज पूरे दिन यही काम होगा कि नोट्स वगैरह बनाऊँगा, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं वो आपको ब्लॉग पता लग ही जाएगा। तो सबसे पहले जो इनको कपड़ों को डालते हैं भिगोने के लिए बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में डालते हैं 20 लीटर वाली में। सारे कपड़े वगैरह जो है धुल गए हैं, इसमें जो है कमर टूट जाती है कपड़े धोते हुए, गले की खराश ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश मेरे पास वॉशिंग मशीन होती तो कपड़े डालो धुल के अपने आप निकल जाते, बट क्या करें अब है नहीं तो हाथों से धोने पड़ेंगे, तो इसमें कमर टूट जाती है पूरी, जब वो पानी से धोना पड़ता है ना तो कमर झुकती है, तो फिर जब उसके बाद सीधा होता है ना थोड़ी देर तो ऐसा लगता है कि बस हड्डी टूट गई है, तो ये तो हर हफ्ते का ही है ये तो। बाकी आपको दिखाता हूँ कपड़े अपने, मेरी मेहनत यहाँ से नहीं दिख रही है, बाहर जाते हैं और धूप अच्छी लगी आज, मौसम दिखाओ काफ़ी अच्छी धूप लगी है, कपड़े उधर आगे सारे डाल रखे हैं मैंने।
वहाँ सामने दुकान में चिंची दिख रही है बहुत सारी, पर हम खाएंगे नहीं। मैंने बाहर का मतलब अवॉइड कर रखा है ये सब चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह। फास्ट फूड कभी कभी, बट जंक फूड मैंने छोड़ रखा है। देखो कितने सारे कपड़े डाल रखे अब। अब जो है टाइम 2 बजे का हो गया, अब लंच करूँगा। लंच में मेरी वही दाल बची जो मैंने पिछले कल शाम को बनाई थी सफ़ेद चने की, तो वही चलेगी मेरी बच्ची। दाल तो उसको ही खाऊंगा, वेस्ट तो करनी नहीं है। तो आज खाना वगैरह कुछ बनाने को था नहीं, बस यही था। और साथ में था बाथरूम डीप क्लीन करने के लिए, तो वो भी हो गया अच्छे से। बाथरूम डीप क्लीन हो गया, रूम भी मेरा पूरा साफ़ हो गया, किचन तो मेरा साफ़ रहता ही है, तो जो सफाई वगैरह थी वो ख़त्म हो गई है। अब जो है थोड़ी देर लंबा पड़ते हैं बिस्तर पर, क्योंकि कमर की बॉड बच गई है। बाकी अब देखते हैं और क्या काम है, काम तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अभी जो है शाम का टाइम है और मैं कुछ काम कर रहा था, तो काम क्या कर रहा था तो वो दिखाता हूँ आपको। पहले काम तो कुछ नहीं बोलेंगे इसको, बट फिर भी दिखाता हूँ। ये मेरे रूम के पास खिड़की है और यहाँ से मेन रास्ता है बाहर जाने के लिए। पहले यहाँ से रास्ता नहीं था, पहले रास्ता दूसरी तरफ से था, बट उस तरफ को बिल्डिंग बन गई है तो वहाँ से रास्ता बंद हो गया और ये रास्ता खुल गया। नहीं तो पहले यहाँ ये गेट बंद रहता था परमानेंटली, ताला लगा होता था इसमें, यहाँ पे लॉक लगा था। तो अब जैसे यहाँ से सभी लोग चलते हैं तो मेरे को खिड़की खोल के बहुत दिक्कत आती है। खिड़की खोलता हूँ तो यहाँ से चलते हैं तो खिड़की हवा से कई बार इस तरफ को आ जाती है, तो फिर बंद कर देते हैं। और इसमें नीचे यहाँ पे वो भी नहीं है कि मैं इसको बंद कर सकूँ, यहाँ पे खिड़की को वो भी नहीं है। तो मैंने आज लगाया देसी जुगाड़, ये मेरे को बाइंडिंग वायर मिली, पर एक घर बन रहा है तो वहाँ पे नीचे गिरी हुई थी, वो लाया थोड़ी बहुत इस तरह से लगाई है थोड़ी बहुत। और मेरे पास धागा पड़ा होता है, देखो धागा कितना लंबा बांधा है। और ये वाली खिड़की अखिलेश के रूम की है। तो अभी यहाँ पे जो है मोटर चलाई है, वहाँ पे टैंक है हमारा, यहाँ से हम पानी अपलिफ्ट करते हैं ऊपर मोटर के थ्रू। तो इसमें मैंने पानी देखा तो इसमें पानी बहुत नीचे चले गया है, थोड़ा सा पानी रहता है इसमें। और 3-4 दिन से सुनने में आया कि 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बाकी अब देखते हैं ऊपर जाके मेरी टंकी में पानी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं टंकी भर देता हूँ। बिना खाने के रह सकता हूँ, बिना लाइट के रह सकता हूँ, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है। तो पानी नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ना खाना बनने वाला है, ना कुछ और होने वाला है। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब भी पानी की दिक्कत आती है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पानी नहीं होता है। तो देखते हैं अब लैंडर पर जाके ऊपर मेरी टंकी में पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपनी टंकी को भर देते हैं। गाइस लैंडर पर आ गया हूँ और ये मेरी टंकी है, इसको चेक करते हैं। अरे वाह, मेरी टंकी फुल है, थोड़ी सी कम है, फिर भी इसको बंद करते हैं थोड़ी देर, पानी नहीं तो इसमें जा रहा है सारा। अपनी टंकी की ओर घुमाते हैं, इसको भी देख लेता हूँ कितना है। वो तो आती है नहीं, गलत काम नहीं करने, मेरी टंकी अगर फुल है तो 50-50 करेंगे। 2 दिन के बाद आज लैंडर पर निकला हूँ। अब निकला हूँ तो थोड़ी देर घूम लेता हूँ यहाँ पे, और अच्छा लग रहा है ऊपर आके। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा आता है चंचना। तो यहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू आता है लैंडर पर से हमारे। ये देखो आजकल हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जैसे आपको हर बार बताता हूँ, ये है LR इंस्टीट्यूट। और अब खेतों में दिखाता हूँ आजकल क्या क्या लगाया है खेतों में। आजकल मक्की भी है, टमाटर भी है, शिमला मिर्च भी है, यहाँ पे बीन्स है, गोभी है, और पता नहीं क्या कुछ। वहाँ नीचे दिखाता हूँ, वहाँ देखो काम कर रहे हैं खेत, कुछ और लगा रहे हैं निकाल के, कुछ और लगा रहे होंगे। और उस तरफ के खेतों में भी वही सब लगा है, वहाँ देखो। और यहाँ नीचे भी है, ये पता नहीं क्या है, मक्की के बीच में शायद बीन्स लगाई है, ये बीन्स के बीच में थोड़ी बहुत मक्की लगाई है ये। यहाँ से देख रहा था और यहाँ से रूम देखो नीचे कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला, और नीचे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। शायद भगवान जी को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो मुझे लगा था सनसेट हो गया होगा, बट अभी तक सनसेट नहीं हुआ है। वहाँ पे बादल के बीच से सूरज निकल आया है और धूप डायरेक्ट मुंह के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे गर्मी तो नहीं लग रही है, हवा बहुत अच्छी चली है, यहाँ बैठ के मज़ा आ रहा है, हवा बहुत अच्छी चली है। देखो बाल लगा हुआ कि बाल उड़ रहे हैं मेरे।
निकलने का मन नहीं कर रहा है। लास्ट बस है जो शूरनी से जाती है, इसके बाद अब कोई बस नहीं जाती है, तो वो लास्ट बस जा रही है। और साथ में बता ना बिल्डिंग बन रही है, तो ये देखो तीसरे लेंटर की तैयारी स्टार्ट हो गई है, पिलर देना शुरू कर दिया उन लोगों ने तीसरे लेंटर के लिए। दो लेंटर डल गए हैं इस पर, अब तीसरा लेंटर पड़ेगा और फिर बराबर आ जाएगा। वैसे हाँ तो सरिया यहाँ तक आया तो लेंटर के साथ आ जाएगा है पूरा, और वहाँ नीचे पानी दे रहे हैं जो मालिक है यहाँ के। मैं पहले आपको बताया था ना कि खेतों में कोई काम कर रहा है नीचे, कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। वो देखो वहाँ पे, यहाँ पे जो इन लोगों ने शायद कुछ लगाया होगा पहले, ख़त्म हो गई होगी वो सब्जी वगैरह, अब कुछ और लगा दिया इन लोगों ने यहाँ पे। वो काम कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ पनीरी रखे हैं वहाँ पे, कुछ पनीरी में एक खुदाई कर रहे हैं और एक पानी दे रहे हैं। और आजकल जो है गाड़ियाँ, इतनी सारी टैक्सी, इतने सारे आउट ऑफ HP के नंबर वगैरह, यहाँ से इतनी गाड़ियाँ जा रही है ना, क्योंकि टीचर्स आने वाले हैं बच्चे बैचलर्स के लिए चाहे मास्टर्स के लिए, तो वो लोग चले हॉस्टल के लिए, यूनिवर्सिटी साइड के लिए। और यहाँ देखो खेल रहे हैं आपस में। हाँ जी, तो अभी टाइम जो है रात के 9 बजे का हो गया है और डिनर टाइम है। डिनर में मेरा वही है सफ़ेद चने और चावल, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, और खाना मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, अब बना दिया तो पूरा खाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कल शाम को भी यही खाया है और आज दिन में भी यही खाया और आज शाम में यही खा रहा हूँ, तो 3 टाइम मैं यही खा रहा हूँ। तो अभी जाके मेरी दाल ख़त्म हुई है। तो मतलब ये होता ही है कि अगर आप रूम लेके रह रहे हो तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ अलग, डिनर में कुछ अलग, लंच में कुछ अलग, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि खुद बनाना होता है। और अगर तो 2-3 आदमी हो तब तो खाना सुबह ख़त्म हो जाएगा, दिन के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि थोड़ा सा खाना बने और फिर उसी टाइम ख़त्म हो जाए। तो जब तक चल रहा था तब इसको खाना ही पड़ता है। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।